प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 81,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और 1,000 से ज्यादा अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ दुनिया में नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। बेंगलुरु में आज प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी समानता और सशक्तिकरण की ताकत है और युवाओं को सूचना के सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गरीबी से मुकाबला करने के लिए कर रहा है और ये साबित कर दिया है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे मानव कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सकता है। वी आर यूजिंग अवर टैलेंट फॉर ग्लोबल गुड इवन इन इंडिया दैट इंपैक्ट इज बीइंग सीन। इंडिया जंप द 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन दिस ईयर। इन 2015 We were ranked 81. The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. During COVID-19, low data costs helped poor students to attend online classes. Without this, two precious years would have been lost for them. Friends, India is using technology as a weapon in the war against poverty. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विकास के बुनियादी ढांचे में बदलाव भी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति ऑनलाइन GIS पोर्टल के माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने में मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु में आज से 25वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। 3 दिनों के इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिग्गज भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में पहली बार 16 राज्यों के स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं।